इमरान खान को शुक्र है जाकर प्रोजेक्ट इमरान जाने का वो भी नहीं के साथ ही चला जाएगा या आपको लगता है कि अभी मजीद लड़ाई करनी पड़ेगी? देखिए ये कोई लड़ाई शड़ाई कोई नहीं करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला इनके जाने के साथ ही, इमरान खान के जाने के साथ ही जो है नई गवर्नमेंट की जो तश्कील होगी उसको बड़े क्रूशल फैसले जो है करने पड़ेंगे, जिसमें कि कब मैंडेट जो है हमने आवाम से लेनी है उसके वक्त का भी एक तयन ज़रूरी होगा। फिर ये जो खंडरात छोड़ के जा रहा है, तबाही के जो एक पूरी एक कह सकते हैं कि आप मुल्क में माशी तबाही और हमारे यहाँ पे कोई चीज़ जो है जो एक रियासत के स्ट्रक्चर जो है वो कोई भी जो है वो सही सलामत इस वक्त नहीं खड़ा और तमाम स्टैंड स्टिल पे आई हुई चीज़ें, तो एक बड़ा बड़ा टास्क है अपोजिशन के पास इस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है ये कल जब MQM ने इनको छोड़ा है उसके बाद इसके पास नंबर नहीं है, इस वक्त एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है इसकी हुक्मरानी पे आ चुका है। ये इस वक्त कानूनी और आइनी वज़ीर आज़म नहीं है, ये मेजॉरिटी खो चुका हुआ है अवाम में, ऐवान में, नेशनल असम्बली में, पार्लियामेंट में इसके पास इस वक्त एतमाद उसको उठ चुका है। तो इसलिए इसका बेसिकली यहाँ पे रहना, इसका जो वजूद है सियासी वजूद या आइनी वजूद जो है वो ख़त्म हो चुका है। समझते हैं कि जो लेटर आज पेश किया जा रहा है सलामती कमेटी में इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे असर होगा? देखें ये आज से 3 या 4 महीने पहले जब जी लेटर आया था या लेटर नहीं है, लेटर नहीं है, लेटर 1.5-2 महीने पहले उस वक्त क्यों ना उससे बहस की पार्लियामेंट में लेके आते हैं, बहस करते कि जी किसी ने हमारी सॉवरेंटी पे भी खुद मुख्तारी पे हमला किया है, बहस करते ये एन जब ये सारा मामला जो है उसको आ गया है अदम एतमाद का, तो इस किस्म के उन्होंने गेमिक्री जो है जो तजवीज़ है कि दोनों पार्टीज का पैचअप करवाने की कोशिश की जाए। पंडित साहब आप वजीर खारजा भी रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए था इस लेटर? देखें ये मैं वजीर खारजा को केबल्स जो है डेली आती हैं, वजीर खारजा के फ़राइज़ में शामिल है जो केबल्स को पढ़ते हैं, वो इम्प्रेशन होते हैं हमारे उनके, इनको वो शेयर करनी चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, उस पर बहस होनी चाहिए, जलसों में बात ये बात करने वाली नहीं है, ये लोगों के को एक्सप्लॉयट करने वाली बात नहीं है। वो जो उनके पास उस कागज़ था वो ब्लैंक पेपर था, ओरिजिनल उनके पास है भी नहीं है, ये भी यही भी आप चेक कर।